हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथेमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स का क्या मतलब है? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे बिहेव करते हैं, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में जब उनको चार्ज दिया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो पहला पॉइंट इसमें है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। अभी हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेकेंड इज, एट द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। कोई भी कंडक्टर है, अगर वो चार्ज है, यानी कि उसको हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हर पॉइंट पे उसकी फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टेटिक सिचुएशन। यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता है, सारा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस के ऊपर। जितना भी चार्ज दें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, वो सब सरफेस पे आ जाएगा, अंदर जो है उसका कोई भी चार्ज रुकता नहीं है, कोई भी चार्ज जो है उसमें नहीं रह सकता है। फोर्थ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड एज ऑन इट सरफेस। यानी कि कोई भी कंडक्टर है, उसकी पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, वी जो है चेंज नहीं होता है, जितना सरफेस पे है अंदर उसके इंटीरियर में भी उतना ही पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। देन फिफ्थ इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है इसमें? द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। कि सरफेस पे, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर कोई कैविटी है अंदर, तो कैविटी में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब बचाना। तो हम यहाँ पर अगर कैविटी में कोई भी चीज रखें, तो अगर बाहर, अगर हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा है तो भी अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इस तरह से हम जो हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचा सकते हैं, कैसे? कंडक्टर के अंदर कैविटी में रखने से। ठीक है, अब इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती है। क्यों होती है ये? कंसिडर ए कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज, देयर मे बी ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कोई कंडक्टर लिया है, ये हो सकता है ये न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इसको कोई अलग से चार्ज नहीं दिया है। चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। चार्ज है मतलब हमने इसको कोई चार्ज दिया है आउटसाइड, चाहे हमने रब करके दिया है या इंडक्शन से दिया है या कैसे भी दिया है, फ्रिक्शन से, तो हमने इसको चार्ज दिया है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, कोई बाहर से हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, उसके अंदर हमने कंडक्टर को रख दिया है। तो क्या है इसमें कि इन स्टेटिक सिचुएशन देयर इज नो करंट इनसाइड और इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों होती है ये? अब कंडक्टर्स जो होते हैं, हमने एटम की स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ी थी कि बीच में जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। क्यों बाउंड होते हैं? कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में, वो क्या होते हैं? बहुत लूजली बाउंड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
पहले भी पढ़ा है हमने इनके बारे में कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यानी कि वो सरफेस में, मेटल के सरफेस में घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पे फोर्स लगेगा और वो तब तक मूव करेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती है। ठीक है, ए कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, द फ्री चार्ज कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट। इन द स्टैटिक सिचुएशन द फ्री चार्जेस हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड। क्योंकि फ्री चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई भी है हमने तो क्या होगा, वो जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें मूव करते रहेंगे, और स्टेटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अगर अनचार्ज है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं उसकी, लेकिन अगर हमने उसको कोई चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी। जैसे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है या इनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन होगी कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों होगी अब ये, अब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ऐसे है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या है, इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये दो कंपोनेंट्स हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वाला और ये पैरेलल वाला, पैरेलल टू द सरफेस। तो इसका मतलब सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टेंजेंशियल टू द सरफेस, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मूव करेंगे, कब तक मूव करेंगे, जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट जीरो नहीं हो जाता, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला बचता है। तो इसका मतलब जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी, उसका कोई कंपोनेंट भी जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। सो दोबारा से पढ़ लीजिए इसको, इफ ई वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल नहीं है, इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, तो उसका कोई कंपोनेंट जो है सरफेस के अलोंग होगा, और जो फ्री चार्जेस हैं सरफेस पर वो क्या होंगे, उनको फोर्स लगेगा एंड दे विल मूव। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि स्टैटिक सिचुएशन नहीं आ जाती है, इसलिए ई शुड नॉट हैव एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट। इट मीन्स द ऑन द एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे जो है वो नॉर्मल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, यानी कि हम कुछ भी चार्ज दें उसको, एक कंडक्टर को, तो उसका सारा चार्ज जो है वो बाहर आ जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज द एक्सेस चार्ज कैन रेसाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन, दिस मीन्स दैट देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर एंड एनी एक्सेस चार्ज गिवन मस्ट रेसाइड ऑन द सरफेस। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अंदर कोई सरफेस लिए, कोई भी क्लोज सरफेस लिए, ये गॉसियन सरफेस ले लिए हमने कोई भी, गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस फॉर द क्लोज सरफेस शुड बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि कहीं भी हम लें सरफेस, यहाँ लें, कहीं भी लें अंदर, तो सरफेस पे क्या है, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसका मतलब क्या है कि फ्लक्स जो है वो जीरो है। फ्लक्स जीरो है इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट चार्ज इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से क्या होता है, फ्लक्स जीरो हो जाता है। अगर फ्लक्स जीरो है और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज, ε0 तो एक कॉन्स्टेंट है, तो क्या मतलब है इसका कि चार्ज जीरो है। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज ऑलवेज जीरो, जो भी हम चार्ज देते हैं वो आउटर सरफेस पे चला जाता है, इनसाइड नहीं टिकता है वो। देन फोर्थ इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस।
कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस पे है, ये सरफेस पे है वी नॉट पोटेंशियल, तो अंदर भी वी नॉट ही रहता है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लें वो पूरा जो है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी से आ जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि ई जीरो होती है, अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, जो सरफेस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या मतलब है? ये जो सरफेस के नॉर्मल है, इसका कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, यानी कि किसी भी चार्ज को हम सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं भी मूव करें, हमें क्या करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे जा रहे हैं? फील्ड के परपेंडिकुलर, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सर्फेसेस होती हैं क्या होती हैं? इक्विपोटेंशियल। तो सब पे पोटेंशियल सेम है, तो हमें सरफेस पे मूव करने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम अंदर जाएं तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, जब फील्ड ही जीरो है तो हम किसी चार्ज को ले जाएंगे तो उस पर ना तो अट्रैक्शन लगेगा ना रिपल्जन लगेगा, तो अंदर ले जाने में, सरफेस से अंदर ले जाएं या अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएं, तो कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, पूरे का सरफेस का भी और अंदर का भी सारा पोटेंशियल जो है वो सेम है, दैट इज कॉन्स्टेंट, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड or on the surface of the conductor, and hence the result that throughout the volume the potential is same. Fifth property, electric field at the surface of a charged conductor is equal to sigma upon epsilon naught unit vector n, where sigma is the surface charge density and n is a unit vector normal to the surface in the outward direction. इसको हम कैसे समझेंगे? ये हमने एक जो है कंडक्टर ले लिया है, ये इसकी सरफेस है। सरफेस पे हमने एक छोटा सा सिलेंडर लिया है, चूज अ शॉर्ट सिलेंडर एज द गॉशियन सरफेस अबाउट एनी पॉइंट पी ऑन द सरफेस। पी कोई सरफेस पे पॉइंट था, हमने गॉशियन सिलेंडर बना लिया है। कैसा बनाया है? पार्टली इनसाइड एंड पार्टली आउटसाइड द सरफेस, एंड इट हैज अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेग्लिजिबल हाइट। हमने छोटा सा सिलेंडर लिया है बिल्कुल, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये डेल्टा एस बहुत छोटा है, इसकी हाइट भी बहुत कम है, ये जो हाइट है ये नेग्लिजिबल है, और छोटा सा थोड़ा पार्ट इसका अंदर है सरफेस के और थोड़ा पार्ट बाहर है। तो अगर हम इसको सिलेंडर को कंसिडर करें तो एक तो इसकी टॉप सरफेस हो गई ये सर्कुलर, इसको हम वन सरफेस नाम दे देते हैं, एक ही नीचे की सरफेस अंदर जो है ये टू सरफेस, और एक ये कर्व सरफेस, ठीक है, तीन सरफेस हैं इसकी। अब अगर हम गॉस लॉ यूज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें इस क्लोज सरफेस के लिए तो कितना होगा? फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सेकंड सरफेस का प्लस थर्ड सरफेस का, इन तीनों सरफेस का ऐड करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल होगा? वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। अब हम देखते हैं फाई टू क्या है? ये इनसाइड है, ये कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फाई टू जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? बिकॉज ई इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ई जीरो है। अगर हम फाई थ्री देखें, फाई थ्री ये वाला ये है जो कर्व सरफेस है सिलेंडर की, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अगर हम सर्फ एरिया वेक्टर ड्रॉ करें इसका तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, यानी कि ई और डी एस में 90 का एंगल है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ई इज परपेंडिकुलर टू डी एस, तो ये टर्म जीरो हो गई हमारी, ये टर्म जीरो हो गई, क्या बची? सिर्फ फाइव वन। फाइव वन अगर हम ले तो कितना आ जाएगा? ई डी एस, ई डॉट डी एस, ये हमने लिया है फर्स्ट सरफेस के लिए, और ये कितना हो जाएगा? ई और डी एस फर्स्ट सरफेस के लिए, ई के डायरेक्शन भी ये है और डी एस के डायरेक्शन भी ये है, यानी कि कॉस जीरो है, तो सिंपली ई डी एस रह जाएगा ई इंटू डेल्टा एस, that will be equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. जितना भी चार्ज है वो सरफेस पे है सारा कंडक्टर के, और सरफेस पे कितना एरिया आ रहा है? ये डेल्टा एस, इतना एरिया आ रहा है। अगर चार्ज डेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कौन सी लिए? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर ये सिग्मा है तो ये किसके इक्वल होती है? चार्ज अपॉन एरिया,
तो अगर हमें किसी भी एरिया पे चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डीएस। इतना चार्ज इनक्लोज होगा, ये डीएस कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एस, तो क्या बचा हमारे पास, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखना चाहें तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एन परपेंडिकुलर, ये जो यूनिट वेक्टर एन लिया है हमने, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, ये आउटवर्ड भी हो सकता है इनवर्ड भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो टुवर्ड्स द सरफेस होगी लेकिन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर पे जो फील्ड है वो हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन होती है चार्ज के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है ये, वॉट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कन्फिग्रेशन आउटसाइड, एनी कैविटी इन द कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, इट मीन्स द फील्ड इन साइड द कैविटी इज ऑल्सो जीरो। हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर फील्ड होती है लेकिन कैविटी के अंदर भी फील्ड जो है वो जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर भी फील्ड जीरो होती है, कैविटी के अंदर भी फील्ड जीरो होती है, क्यों, वही रीजन है कि सारा चार्ज जो है वो बाहर के सरफेस पे होता है। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जितना सरफेस पे है उतना ही कैविटी के अंदर भी होगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बचाना। इसका मतलब अंदर हम कोई भी चीज रखेंगे वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बची रहेगी। ये कहाँ यूज होता है, इट कैन बी मेड यूज इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम कंडक्टर के अंदर कैविटी बना के उसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका एक डेली लाइफ में एप्लीकेशन भी होता है, अगर आप किसी कार में बैठे हुए हैं, कार के अंदर हैं, ठीक है, और बाहर से लाइटनिंग हो रही है, रेनी सीजन है, लाइटनिंग अगर आपकी कार को स्ट्राइक भी करती है तो अंदर आप कैविटी में जो बैठे हुए हैं आप सेफ रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपने एक पैर भी जमीन पर रख दिया है तो तुरंत जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी और शॉक लगेगा आपको, वो फैटल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अंदर तो पोटेंशियल कुछ है वी, जो भी सरफेस पे पोटेंशियल है वो अंदर पूरे में वी पोटेंशियल है, और जैसे ही आप ग्राउंड पे पैर रखेंगे तो ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो हो सकती है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि करंट कब फ्लो होती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये जो है कार में, कार के अंदर रहना ही ज्यादा सेफ है जब लाइटनिंग की कंडीशन होती है, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि बर्ड्स परचेज ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन, जो तार लगे होते हैं, हाई वोल्टेज तार लगे होते हैं, उस पर चिड़िया बैठ जाती हैं, नथिंग हैपेंस टू द बर्ड, कुछ नहीं होता उसको। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेस द सेम लाइन एंड गेट्स ए फेटल शॉक, वाई, सेम रीजन है, जो जब मैन जो है ये वायर है, पावर लाइन है, जो मैन है वो ग्राउंड के सरफेस पे खड़ा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, तो मैन जब ह्यूमन बॉडी है गुड कंडक्टर है तो करंट तेजी से फ्लो होगी तो फेटल शॉक लगेगा, जबकि बर्ड जो है इसके ऊपर बैठी हुई है कहीं जो है सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फ्लो नहीं, जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा बड़ी बर्ड होती है तो वो दूसरे वायर से भी टच हो जाती है, तो उस केस में उनमें करंट फ्लो हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। करंट पासस ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो ये हो गई सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस मीन्स इंसुलेटर्स। हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें कि चार्ज जो है इजीली फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकता। इन कंट्रास्ट टू कंडक्टर्स, दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स।
इसके भी हमने टाइप्स पढ़े थे कि ये दो तरह के होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो डायरेक्ट्रिक्स के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर हैं दोनों कॉन्साइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों कॉन्साइड करते हैं, तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड कर रहे हैं, एक ही प्लेस पर है, तो डाइपोल मोमेंट इनका जो है वो जीरो होता है, इनको बोलते हैं नॉन पोलर। दूसरे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर कॉन्साइड नहीं करते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उनके बीच में, तो उनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। जैसे कि ये HCl का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, इनमें एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट इनका जीरो नहीं होता है। तो चाहे वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक है या नॉन पोलर, जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, पहला आप देख रहे हैं ये पोलर का केस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जितनी भी एटम्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर सेम ही पॉइंट पर है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है इनका वो जीरो है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है किसी भी एटम में। लेकिन जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई करी है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इनके बीच में एक डिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इनमें एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया है। अब किस डायरेक्शन में, फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो इनका जो नेट पी है अब पी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों क्यों, इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो डेवलप हो गया है। जो नॉन जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, अब इनमें तो ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है सभी मॉलिक्यूल्स में, तो किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइंड है, किसी का इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में है, तो सब ये डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली डायरेक्शंस में रैंडमली अलाइंड होते हैं, तो रैंडमली अलाइन होने से इनमें भी नेट जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज जीरो, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है लेकिन वो इस तरह से अलाइंड है कि नेट मोमेंट जो है वो जीरो है। अब जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो डाइपोल्स हैं, हमने पढ़ा था कि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उनके ऊपर एक टॉर्क लगता है, वो टॉर्क हमने निकाला भी था लास्ट टर्न पे, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये निकाला था हमने, तो इनके ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क क्या करेगा, इनको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डाइपोल मोमेंट और ई दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, यानी कि पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये सारे डाइपोल्स जो हैं फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कितना अच्छा अलाइनमेंट होगा वो डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ज्यादा अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, किसी में कम होते हैं, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट के साथ साथ थर्मल एजिटेशन भी है जो कि उसको डिसअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगा, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देख रहे हैं चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक नेट डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो है ये पूरा पूरा जो है डाइलेक्ट्रिक है, एक इसको हमने फील्ड में रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारे डाइपोल्स जो है वो अलाइन हो गए, जितने भी एटमिक डाइपोल्स थे वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। तो अलाइन होने से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इसकी इधर की कॉर्नर की सरफेस है, राइट सरफेस, इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है और इस सरफेस पे सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, और अंदर का अगर हम चार्ज निकालें तो ये दो डाइपोल्स बहुत क्लोज रखे हुए हैं, तो इनके ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर जाएंगे, ये क्लोज रखे हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर जाएंगे, इट मीन्स अंदर वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है, केवल सरफेस पे चार्ज है। Uniformly polarized dielectric amounts to induced surface charge density, but no volume charge density. अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर तो चार्ज जीरो हो गया, केवल चार्ज जो है
एक पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे और ये इस सरफेस पे, या हम कह सकते हैं इस सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो गई है प्लस सिग्मा पी और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी। तो हम कह सकते हैं द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेसेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी। हम कह सकते हैं कि ये चार्ज डेंसिटीज डेवलप हो गई हैं एंड क्लियरली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज सरफेस चार्जेस अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में थी। अब इनकी फील्ड देखें तो पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, यानी कि एक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गई है, एक्सटर्नल से अपोजिट डायरेक्शन में। एंड हेंस द टोटल फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक इज देयर बाय रिड्यूस्ड फ्रॉम द केस व्हेन नो डायलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, यानी कि इनमें फील्ड कम हो जाती है। अब डायलेक्ट्रिक और कंडक्टर का बिहेवियर डिफरेंट कैसे है, इसमें क्या पढ़ा था हमने? ये हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं तो इधर पर हमारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते हैं जब तक कि ये फील्ड, जब तक कि टोटल फील्ड जीरो ना हो जाए, यानी कि जितनी एक्सटर्नल फील्ड थी उतनी ही इंड्यूस हो जाएगी। ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि नेट फील्ड इनके अंदर जीरो हो जाती है। जबकि डायलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, ये हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी, एक्सटर्नल फील्ड लगाई डायलेक्ट्रिक में, तो हमने देखा है क्या होता है, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ गई है, एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ गई है, यानी कि इसमें भी एक इंड्यूस्ड फील्ड ऐसे डेवलप हो गई है अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में जो इंड्यूस्ड फील्ड है दैट इज लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड से ये लेस होती है, डायरेक्शन तो अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका लेस होता है, यानी कि नेट फील्ड इसमें जीरो नहीं हो पाती है, एक इंड्यूस्ड फील्ड नेट फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में जो फील्ड के डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं कि फील्ड इज रिड्यूस्ड। जब हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो फील्ड रिड्यूस हो जाती है और इस केस में कितनी हो गई थी, फील्ड बिकम्स जीरो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हमने कंडक्टर यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो फील्ड उसके अंदर कम हो जाती है, जीरो नहीं होती है। तो अब हम ये दो नई टर्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक सुसेप्टेबिलिटी। हमने देखा कि चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है या नॉन पोलर, जब उसको फील्ड में रखते हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, मीन्स वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इट डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय पी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे लिखेंगे इसको? पी दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज दिस इज स्मॉल पी फॉर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसकी SI यूनिट निकालें क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, विल गेट कूलम पर मीटर स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ पी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो पोलराइजेशन हुआ है या डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा हुआ है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये फील्ड पर डिपेंड करता है। जितनी हम ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लगाएंगे उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा डेवलप होगा। इसके साथ साथ वो जो है डाइलेक्ट्रिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम एक ही फील्ड में तरह तरह के डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं तो हर एक में अलग अलग पोलराइजेशन होता है, यानी कि वो सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। अगर ये हम जो है एक प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वलिटी का लगाएंगे तो क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू, और हमें इसे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट और साई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो साई ही है ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस है। ये जो हमने डायलेक्ट्रिक यूज किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है,
क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सुसेप्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिकल सुसेप्टेबिलिटी, जितनी उसकी इलेक्ट्रिकल सुसेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा कुछ फील्ड लगाने से। ठीक है, इसका भी अगर हम वो निकालना चाहें यूनिट, तो हम इससे निकाल सकते हैं। हमें पी की यूनिट पता है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता है, ई की पता है, तो हम साई ई की भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।